हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो अज एक बहुत प्यारा ते बहुत वधिया इंट्रस्टिंग टॉपिक शुरू करन जा रहे हैं, एक्टिव ते पैसिव, जिन्हों आप वॉइस के नाम के नाल भी जानते हैं। तुहानू पता है कि एक्टिव पैसिव बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदगी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपरों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्ना पेपरों इंपॉर्टेंट है उदू कि 10 गुना वध जिंदगी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुहानू अज समझ आऊगा कि मैं गल क्यों कह रहा हाँ। हर एक पेपर के कॉन्ट्रीब्यूशन है, पंजाब का पेपर है, TCS का पेपर है, PSSSB का पेपर है, PCS मेन्स देन जा रहे हो, PCS प्री दे रहे हो, वो स्पैशली टॉपिक आता ही आता। ठीक है, कोई भी तुम SSCGL दे रहे हो, बैंकिंग दे रहे हो, कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईवन कि यह टॉपिक इन्ना इंपॉर्टेंट है कि एक स्टूडेंट को एक सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट की जिनी डेफिनेशन पता होनी चाहिए वो इंपॉर्टेंट है, उन्ना ही एक्टिव पैसिव जानना भी इंपॉर्टेंट है। यदा बेसिक समझना, मैं डिटेल्स नहीं कह रहा, सिर्फ बेसिक समझना एक्टिव पैसिव होंदा की है। सो मैं ये समझना कि अपने जिहड़े स्टूडेंट्स ने, अगर कोई टीचर उन्होंने सिखाउंदा है तां जिन्ना सब्जेक्ट वर्ब सॉरी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट पहले दिन सिखाउंदे ने उन्ना ही एक्टिव पैसिव पहले दिन सिखाना चाहिए। लेकिन एक कुछ इतों पहला जिहड़े स्टैप्स आने चाहिए ने उही इन्ने वीक होंदे ने, तां करके टीचर्स भी झिझकदे ने। इहनूं अगे जाके कवर करांगे। एक्टिव पैसिव थोड़ा पूरा सिलेबस सारी ग्रामर यूज़ करदा, तां ही इह जनरली एंड ते करवाए जांदे ने। सो एक्टिव पैसिव सीखने तो पहला जिहड़े 2 चैप्टर बहुत ज़्यादा जरूरी ने, इंपॉर्टेंट ने इन्हों सीखने तो पहला, वो केड़े ने? टेंस ते वर्ब। टेंस का बेसिक, वर्ब का बेसिक। जिहड़े स्टूडेंट्स ने यह कवर नहीं किया मेरे तो, ठीक है, अगर तुम इतों पढ़ रहे हो तो मैं तुम्हें सुजैशन दूंगा कि आप बहुत सारी चीज़ा जिहड़ियां हैगियां ने उत्थों यूज़ करांगे। लेकिन अगर वो चीज़ें वीक होनगियां फिर उन्हें दिक्कत आऊगी। मैं क्यों कह रहा, क्योंकि मैं समझदा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सीधा एक्टिव पैसिव ते जंप कर जाते हैं। ठीक है, किसी टीचर का बैच बाय किया या मेरा ए वाला बैच बाय किया कुछ भी किया, सीधा एक्टिव पैसिव ते चले जाएंगे। हाँ जी, असं एक्टिव पैसिव करा लो सीधा, बस अभी देख लेंगे। लेकिन यदा बेसिक कवर करके आयो, बस मेरी ये सुजैशन है। सो शुरुआत करते हैं आप एक्टिव पैसिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट ते इंट्रस्टिंग टॉपिक। तो एक्टिव पैसिव नूं आप की कहने, वॉइस भी कहने। ठीक है, सो एक्टिव ते पैसिव की होंगे ने? एक्टिव भी सेंटेंस होंगे, पैसिव भी सेंटेंस होंगे। अगर मैं थोनू पूछा कि कहा सेंटेंस दिता हुआ है, अजय वॉश्ड द कार, हुण इस सेंटेंस का आप बनाना, पैसिव बनाना। ठीक है, हुण पैसिव जो है वह सबनों पता होगा कि अगर मैं तुम्हें कहाँ पैसिव बना लो तो तुम बहुत ईजली पैसिव बना लोगे। 80-90% स्टूडेंट्स पैसिव ईजली बना लेंगे। तो पैसिव किवें बनूगा? द कार वॉज वॉश्ड बाय अजय। ठीक है, मैक्सिम कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर तुम दस्या है नहीं वॉश में वॉज वॉश्ड किमें लिखा है, यह सब्जेक्ट किमें चेंज किए हैं, वह सारा समझाऊंगा। पहला एक्टिव पैसिव होंदा की है, लोड़ क्यों पई, डेफिनेशन की है, वह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पिछली बार नरेशन की थ्योरी चो क्वेश्चन आया से, एक्टिव पैसिव में समझने के लिए यह चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी ने। भी इन्होंने दोवें सेंटेंसिस के कोई मीनिंग कोई फर्क है या नहीं है, अगर मीनिंग कोई फर्क नहीं है फिर बनाने की की लड़ पी, इस सेंटेंस से सब्जेक्ट कौन है, इस सेंटेंस से सब्जेक्ट कौन है। हूँ अगर मैं तुम्हें यह पूछा कि सब्जेक्ट कौन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कार है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे अजय सब्जेक्ट है। तो यह बेसिक गल नहीं पता होंगे, बनाना सबनों आ गया, लेकिन यह क्यों बनाया मैं तुम्हें पूछा भी यदा टेंस की है, यदा टेंस की है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते दस पन, लेकिन मैक्सीम स्टूडेंट्स ये गल् हिडन गल् नहीं पता होंगे। यही चीज़ समझने वास्ते है, यही चीज़ मैनू अलग करता है किसी होर टीचर नालों, क्योंकि मैं समझता मैं इस चीज़ से अटैक करूँगा जो थोड़ा समझ आ गया एक्टिव पैसिव है कि यह तो बहुत बेसिक छोटी गल् हो जाएगी। ठीक है, करांगे सारी चीज़ करांगे, लेकिन पहले एक समझने की कोशिश करनी एक चीज़। सब तो पहला अगर मैं तुम्हें पूछा कि पहला सेंटेंस एक्टिव है पैसिव है, तो तुम कहोगे एक्टिव है। पहला सेंटेंस की है? एक्टिव है। ठीक है, मैं मान ली गल। दूसरा सेंटेंस एक्टिव है पैसिव है? तुम क्या भी पैसिव है, मैं मान ली गल। हूँ एक किमें पता लग गया कि पहला सेंटेंस एक्टिव है दूसरा सेंटेंस पैसिव है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे भी बाय तो पता लग गया। ठीक है, मैं एक जहा सेंटेंस लिखूंगा वो बाय लिखे ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो पैसिव होगा। बच्चे बाय जो है पहली गल तो यह समझनी है कि बाय जो है वो सिर्फ डूअर नूं इंट्रोड्यूस कर रहा है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जिहड़े सेंटेंस के बाय लिखा होगा वो हमेशा की होगा पैसिव होगा, कतई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यह भी कतई जरूरी नहीं है कि अगर किसी सेंटेंस के बाय ना लिखा हो भी सेंटेंस बिना बाय तो लिखा हो पैसिव नहीं हो सकता, यह जे सेंटेंस भी होंगे जो पैसिव होंगे। हूँ समझा दूंगा, समझने की कोशिश करना। सब तो पहली गल तो मैं तुम्हें यह समझा देना कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहे ने। इस सेंटेंस के यह वर्ब है, इस सेंटेंस के एक सब्जेक्ट है, यह की है एक ऑब्जेक्ट है। इन्नी गल तो सबू समझ आ रही होगी। ठीक है जी,
अगर थोनू पता होगा कि जिहड़ा ऑब्जेक्ट हुंदा है ओह ऑब्जेक्ट की बन जाता है सबजैक्ट बन जाता है। ये ऑब्जेक्ट है तो जो पैसिव दे विच बनाउने आ तो वह ऑब्जेक्ट की बन जाता है न्यू सबजैक्ट बन जाता है। की बन जाता है न्यू सबजैक्ट नाल नाल लिखी चलो ठीक है। अगर तुम कहोगे फिर ये सबजैक्ट नहीं है दोस्त ये सबजैक्ट नहीं है ठीक है। तो यही चीज़ आप समझनी सी प्रेपोजिशन चैप्टर बहुत बार समझाता कि प्रेपोजिशन जो आप लिखते हैं तो बाई की प्रेपोजिशन है इन्नी गल तो सबनों क्लीयर है। जो भी प्रेपोजिशन लिखोगे तो प्रेपोजिशन तो बाद प्रेपोजिशन का की लिखा जाऊगा एक ऑब्जेक्ट लिखा जाऊ। तुम कहोगे सिर्फ इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है नहीं इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है ये समझांगे हजे ठीक है। हुन ध्यान समझो कि यह एक प्रेपोजिशन है दोस्त यह प्रेपोजिशन का की है ऑब्जेक्ट है। अगर हजे भी नहीं गल समझ आई सपोज कर लो भी ही उरे ही अजय ने लिखा होंगे ही लिखा होंगे की लिखा होंगे ही लिखा होंगे अजय में आप ही तो लिखी सकते हैं कोई चक्कर वाली गल ही नहीं हैगी ये तो कोई चक्कर वाली गल नहीं ठीक है। अच्छा हूँ उत्थे ही की जगह मैं उरे की लिखूंगा मैं बाय ही लिखूंगा या बाय हिम लिखूंगा बस मैं इन्ना दस दो मेरा क्वेश्चन समझ आ गया मैं की कह रहा। मेरा क्वेश्चन दोस्त यह है कि अगर मैनू उत्थे बाय अजय अजय रिप्लेस करके ही या हिम चो लिखना पै गया तो की लिखूंगा हिम ही लिखूंगा ना तो अजय उत्थे सबजैक्ट नहीं दोस्त ऑब्जेक्ट है क्योंकि हिम ऑब्जेक्टिव केस होंगे तो ऑब्जेक्ट्स लिए ही यूज हो सकता सबजैक्ट लिए यूज़ नहीं हो सकता। सो अजय पहली गल तो यह समझनी है कि यह कोई ऑब्जेक्ट नहीं है सॉरी सबजैक्ट नहीं है यह एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ठीक है जी वेरी क्लीयर। उरे अजय की है सबजैक्ट है ठीक है तो उरे यह प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया ठीक है। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है गल समझनी है बहुत इंपॉर्टेंट गल समझ आ गई ठीक है। हुन ये भी वर्ब लिखी हुई है तो तुम देखोगे एक हैल्पिंग वर्ब लिखी हुई है तो एक मेन वर्ब लिखी हुई है कंप्लीट कह देंगे तो यह सारी ही वर्ब है ये भी वर्ब है भी वर्ब है वर्ब का हिस्सा है ठीक है। हुन पता किवें लगता कि कोई सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है बाय अलग खड़ा छड़ दो मैं तुम दसता ठीक है। एक्चुअल च की कारण है समझना वॉश वर्ब एक जिहड़ी वर्ब हुंदी है वह क्रिया हुंदी है इस काम नू कौन कर रहा है इस काम नू कौन कर रहा है अजय कर रहा है ठीक है। ठीक है जी अगर इस काम नू अजय कर रहा है तो अजय जो हो गया वह इस एक्शन का की हो गया डूअर हो गया इस एक्शन का की हो गया डूअर हो गया तो इहदा मतलब यह है कि इस सेंटेंस दे विच सबजैक्ट की है डूअर है सबजैक्ट की है दोस्तों डूअर है। जिस सेंटेंस दे विच तुहाडा जिहड़ा सबजैक्ट है ये सबजैक्ट है ना उरे कार्य सबजैक्ट है उरे अजय सबजैक्ट है जिस सेंटेंस दे विच तुहाडा सबजैक्ट डूअर हुंदा है उस सेंटेंस नूं कहिंदे आ जी एक्टिव सेंटेंस। नोट कर लो जिस सेंटेंस दे विच तुहाडा सबजैक्ट डूअर हुंदा है सबजैक्ट की हुंदा है डूअर मैं दोबारा समझ लो सबजैक्ट की है डूअर जिथे आह इक्वेशन सैटिस्फाई होगी उही सेंटेंस एक्टिव हो सकता होर कोई सेंटेंस एक्टिव नहीं हो सकता। अगर मैं तुहानूं पुछां कि इस सेंटेंस दे विच अजय ने कार वॉश की अजय डूअर हो गया की वॉश की कार तो कार इस एक्शन का की हो गया रिसीवर हो गया कार की हो गया इस एक्शन का की हो गया रिसीवर इन्नी गल तो समझ आ रही ठीक है। अच्छा हुण कार रिसीवर है तो उरे भी तो कार रिसीवर ही रहेगी तो कहना तो उही जा रहा ना अजय ने कार धोती गई कि द्वारा अजय द्वारा हजे भी अजय उरे डूअर ही है अजय की है उरे डूअर ही है तो तुम देखोगे इस सेंटेंस के जो सबजैक्ट से प्रेपोजिशन जो ऑब्जेक्ट बनता है तो वह डूअर ही रहा है तो तुम देखोगे डूअर जरूरी नहीं होंगे सेंटेंस के हमेशा सबजैक्ट हो क्योंकि पहले दिन आप पढ़ते हैं कि डूअर क्या है सबजैक्ट है आप यही पढ़ते हैं ना इस सेंटेंस तुम देखोगे डूअर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया मतलब डूअर ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। सो याद करना ही गलत होंगे कि सबजैक्ट हमेशा ही डूअर होंगे एवं तो कुछ नहीं होंगे तुम देखोगे उसका सबजैक्ट डूअर है ही नहीं और तो बल्कि वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया इस करके मैं डेफिनेशन हमेशा मतलब अखा बंद करके याद नहीं कराता ठीक है। आई होप तुम्हें गल समझ आ गई उस तो बाद हुण तुसीं देखोगे बई कार उत्थे रिसीवर है तो उरे तुसीं देखोगे कि उरे जिहड़ा सबजैक्ट लिखा होया है बल्कि यह कार तो यह वॉश नहीं कर रहा है बल्कि इनू वॉश किया जा रहा है यदा मतलब निचले सेंटेंस के विच जिहड़ा सबजैक्ट है वह की है रिसीवर है सबजैक्ट की है रिसीवर तो ज जिस सेंटेंस के विच अपना सबजैक्ट की हो जूगा रिसीवर जिस सेंटेंस के विच सबजैक्ट जो है रिसीवर हो जूगा उसे सेंटेंस नूं कहने पैसिव सेंटेंस। सो ये क्वेश्चन नूं समझना सी त
पता लग गया एक्टिव पैसिव की होंगे। पैसिव की होंगे जिस सेंटेंस के जो सब्जेक्ट है वो सबजैक्ट डूअर ना होकर बल्कि की हो जूगा रिसीवर हो जूगा, तो उस सेंटेंस को कहने पैसिव सेंटेंस। लेकिन जिस सेंटेंस के सबजैक्ट डूअर होगा उस सेंटेंस को कहने एक्टिव सेंटेंस। की यह गल समझ आ गई येस और नो? वीडियो को पॉज करके एक बार रिवाइज कर लो, देख लो, जिमें भी थोड़ा ठीक लगता हो कर, पता लग गई नहीं गल ठीक। थोड़ा जहाँ चलते हूँ इन्नी गल पता लग गई कि इस सेंटेंस के जोड़ा सबजैक्ट है वह डूअर है, अगर वह डूअर है तो सेंटेंस की एक्टिव है। इस सेंटेंस के जोड़ा सबजैक्ट है वह डूअर नहीं रिसीवर है, तो इस करके सेंटेंस की है पैसे है। ठीक है जी, इन्नी गल आप क्लीयर होगी। ठीक, थोड़ा जहा अगे चलते हैं। ठीक है, अगर मैं थोड़ा पूछा कि पहले सेंटेंस का टेंस कि पहले सेंटेंस का टेंस कि टेंस तो समझ जाओ ना, टेंस की होंगी है वर्ब फॉर्म, थोड़ा पढ़ाया हुआ बहुत चंगे तरीके पढ़ाया, तो उसे तुम देखोगे वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी हुई है सैकेंड फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी हुई है सैकेंड फॉर्म। अगर वर्ब की सैकेंड फॉर्म लिखी हुई है तो यह मतलब जो है टेंस है इस सेंटेंस का क्या टेंस होया पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है जी, चलो अगर मैं थोड़ा ये पूछा कि दूसरे सेंटेंस का टेंस कि तुम कहोगे सर पहला वो तो दस दो किमें चेंज हुआ, तो बाद देखी जाव समझो समझाऊंगा, डोंट वरी डोंट वरी। ठीक है, इस सेंटेंस का टेंस कि कहोगे सर पास्ट कॉन्टीन्यूअस देखने लग रहा पास्ट कॉन्टीन्यूअस या पास्ट इंडेफिनिट। भाई पास्ट इंडेफिनिट के आप डिड प्लस वी वन लिखते हैं, कि लिखते हैं डिड प्लस वी वन लिख सकते हैं, या फिर की लिख लें सीधा ही वी टू लिख लें जिमें वी टू लिखी हुई, लेकिन वॉज प्लस वी टू तो नहीं लिखते, यह तो हो नहीं सकता। पहली गल तो वी टू नहीं, दूसरी गल ए मतलब यह पता लग गया कि पास्ट इंडेफिनेट तो है नहीं है, है ना, पता लग गया अपन ये गल। अच्छा फिर की पास्ट कॉन्टीन्यूअस है, अच्छा पास्ट कॉन्टीन्यूअस के अगर वॉज वर लिखा होंगे तो वॉज के नाल तुसी देखोगे आई एन जी लगी होंगी है, तो आई एन जी तो लिखी नहीं हुई, कि कार वॉज वॉशिंग लिख देंगे नहीं, वो गलत हो जाएगा सेंटेंस, फिर पैसे भी नहीं बनना, तो यह मतलब ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस भी नहीं है। अच्छा फिर तुम कहोगे सर पता नहीं कहड़ा टेंस है, हूँ उही चीज़ नूं समझना। अगर मैं थोनों बेसिक गल पूछा, एक गल समझो कि जो टेंस होंगे ने वो 12 टेंस होंगे ने, इन्हें सबनों पता होगा, क्योंकि टेंस तो बिना चैप्टर समझ नहीं आना। देखो टेंस किने होंगे ने, इंडेफिनेट कॉन्टीन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस आप बहुत चंगे तरीके पढ़ के आए हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये टाइम ने एक्शन दी स्टेट्स ने, सो यह टाइम एक्शन दी स्टेट्स तीन टाइम्स से एग्जिस्ट कर सकते हैं, इंडेफिनेट तीन टाइम प्रेजेंट प्रेजेंट भी एग्जिस्ट कर सकता है, पास्ट भी एग्जिस्ट कर सकता है, फ्यूचर भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, एमी कॉन्टीन्यूअस एमी परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। सो तुम देखोगे वॉज वर्ड के आई एन जी लगी होंगी है। ठीक है, अच्छा अगर वी थ्री लिखी होंगी कितने भी तो वी थ्री देखोगे या तो हैज हैव लिखा हुआ हैड लिखा हुआ है या विल शैल हैव लिखा हुआ, लेकिन वॉज प्लस वी थ्री तो कितने भी नहीं लिखी हुई। सो इस करके इन्होंने इन्होंने 12 के थोड़ा कितने दिख रहा है नहीं, 12 के तो कितने भी नहीं दिख रहा। सो जब अगर वी टू लिखा हुआ तो सीधा ही लिखा हुआ है, या फिर आप लिख देने डिड प्लस वी वन जो थोड़ा दसिया, लेकिन वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एह जहा स्ट्रक्चर तो कितने भी नहीं देखा हूँ तक। ठीक है जी, चलो बिल्कुल ठीक है। हुण मेरे लिए एक क्वेश्चन का डिफरेंस यह है कि एक चीज़ का समझन का जो मेरा क्वेश्चन है, जिमें आप दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, यही लिखे ने अजय वॉश्ड द कार वॉज वॉश्ड बाय अजय। ठीक, कि इन्हों दो आऊँगा सारी चीज़ से आऊँगा कि इन्हों दोवें सेंटेंसिस के मीनिंग कोई फर्क हैगा, सोच के देखो कि इन्हों दोवें सेंटेंसिस के मीनिंग कोई फर्क हैगा। इस सेंटेंस का मीनिंग की है अजय ने कार धोती, इस सेंटेंस का मीनिंग की है कार धोती की किसके द्वारा अजय द्वारा, मीनिंग च कोई अंतर नहीं है, मीनिंग दोवों का डिट्टो सेम है, डिट्टो की है बिल्कुल सेम है, 1% का भी एक चीज़ का अंतर हैगा, ए लो 99% सेम, एक चीज़ का अंतर है मैं तुम्हें दसूंगी, मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है। अगर मीनिंग सेम है तो यह मतलब एक्शन का टाइम तो एक्शन की स्टेट भी सेम है, एक्शन का टाइम तो एक्शन की स्टेट ही की होंगे टेंस होंगे। तो दोस्तों अगर मैं थोनों कह रहा कि इस सेंटेंस का जोड़ा टेंस है वह पास्ट इंडेफिनेट है, फिर इस सेंटेंस का जो टेंस है ये भी पास्ट इंडेफिनेट ही है। तुम कहोगे सर पास्ट इंडेफिनेट होंगे तो तुम दस्या भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं, समझांगे समझांगे सारा कुछ समझांगे, पहले लिखी चलो सारी चीज़ा, ये डोट ने एवें डोट लिखा रहे। ठीक, फिर जदों डोट जुड़ जाएंगे फिर एक स्ट्रक्चर बन जूगा, फिर जो एक स्ट्रक्चर बनूगा फिर समझ आऊगा, जस्ट वेट। ठीक है, तो एक गल समझ आई कि इन्हां दे मीनिंग च कोई फर्क नहीं, अगर मीनिंग च कोई फर्क नहीं फिर टेंस भी सेम है। तुम कहोगे सर यह टेंस उत्थे तो कोई लिखा नहीं,
ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਟੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇਹੀ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਰਬ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇਹੀ ਟੈਂਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫੋਰਮ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਡ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਪਾਸਟ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਮੂਡ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਬ ਦੀ ਫੋਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਵਰਬ ਦੀ ਫੋਰਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੇਮ ਵੇ ਵੋਇਸ ਵੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਬ ਦੀ ਫੋਰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫੋਰਮ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਡੂਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਇਸ ਵਰਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਟਿਵ ਵਰਬ ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਵਰਬ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਡੂਅਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰਿਸੀਵਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਪਲੱਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 12 ਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਬ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵਰਬ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਪੈਸਿਵ ਵਰਬ ਸੋ ਇਹ ਵਰਬ ਦੀ ਫੋਰਮ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸਿਵ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਅਗਰ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਔਰ ਰਿਸੀਵਰ ਹੋਊ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੈਸਿਵ ਵਰਬ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਐਕਟਿਵ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵਰ ਦਿਖਾਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਬ ਕੀ ਐਕਟਿਵ ਵਰਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਡੂਅਰ ਹੋਊਗਾ ਪੈਸਿਵ ਵਰਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰਿਸੀਵਰ ਹੋਊਗਾ ਪੈਸਿਵ ਵਰਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਸਿਵ ਵਰਬ ਹੀ ਪੈਸਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਰਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਪੈਸਿਵ ਹੈ ਉਹ ਵਰਬ ਪੈਸਿਵ ਕਦੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ ਜਦੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰਿਸੀਵਰ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਡੂਅਰ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਡੂਅਰ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਰਬ ਐਕਟਿਵ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਹੁਣ ਐਕਟਿਵ ਵਰਬ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਵਰਬ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 12 ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੇ ਸਾਰੇ 12 ਤੇ 12 ਇਹ ਸਾਰੇ 12 ਤੇ 12 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਬਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 12 ਤੇ 12 ਵਰਬਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਕਟਿਵ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਵਰਬਸ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿਖ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੂਅਰ ਰਿਸੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਿਸੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਸਬਜੈਕਟ ਰਿਸੀਵਰ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਵਰਬ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵਰਬ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਪੈਸਿਵ ਸੋ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵਰਬ ਫੋਰਮ ਇਹ ਵੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫੋਰਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਰਬ ਦੀ ਫੋਰਮ ਹੈ ਇਹ ਵਰਬ ਦੀ ਫੋਰਮ ਹੈ ਨਾ ਵਿਚ ਟੈਲਜ਼ ਅਸ ਹਾਂ ਦੈਟ ਲਿਖ ਲਓ ਵਿਚ ਲਿਖ ਲਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵਰਬ ਫੋਰਮ ਦੈਟ ਟੈਲਜ਼ ਅਸ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਦਰ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਨ ਬਾਏ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਨ ਬਾਏ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੂਅਰ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਨ ਟੂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਿਸੀਵ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੋਇਸ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਬਜੈਕਟ ਡੂਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਬਜੈਕਟ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੋਇਸ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਗੋਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਵੋਇਸ ਅਗਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਐਕਟਿਵ ਫੋਰਮ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੈਸਿਵ ਫੋਰਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਪੈਸਿਵ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਸਿਵ ਫੋਰਮਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂ
पता लग गई गल हूँ। अगर दो तीन चीज़ें जी है क्लीयर करने वाली ने मैं दस दो फटाफट। अगर मैं तुम्हें पूछा पहले सेंटेंस का टेंस कहड़ा तो वह की है पास्ट इनडेफिनेट, ठीक है। वो अगर मैं तुम्हें पूछा दूसरे सेंटेंस का टेंस कहड़ा तो यह भी पास्ट इनडेफिनेट है, बस ये पैसिव फॉर्म च लिखा हुआ है पास्ट इनडेफिनेट। गल समझ आ गई? तुम कहोगे सर बाकी शब्द भी लिखा दो पैसिव, जिमें पास्ट इनडेफिनेट का लिखा है एवं प्रेजेंट इनडेफिनेट भी लिखवा दो, लिखवाऊंगा सारा कुछ लिखवाऊंगा। पैसिव वर्ब का एक ही स्ट्रक्चर है, पैसिव वर्ब का स्ट्रक्चर की है कि वह हमेशा की लिखी जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, की लिखी जाती है थर्ड फॉर्म। इस चीज़ को समझ पैसिव वर्ब का स्ट्रक्चर समझ लो कि थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, लिखी हुई है। अच्छा की थर्ड फॉर्म इकली आ सकती है? नहीं, थर्ड फॉर्म में हमेशा की चाहिए एक हैल्पिंग वर्ब चाहिए, चाहिए ना हैल्पिंग वर्ब, ठीक है बिल्कुल चाहिए। तो उसको देख लो, तो उसी देख लो आ थर्ड फॉर्म कदे भी अगर मैं गल करा हैल्पिंग फॉर्म, हैल्पिंग वर्ब तो बिना आ सकती है? नहीं आ सकती। हूँ पहला सेंटेंस लिखा हुआ, आ सेंटेंस लिखा हुआ तो तुम इन थर्ड फॉर्म क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि उसे हैड या हैड नहीं लिखा हुआ। अगर हैज हैड लिखा होता तो थर्ड फॉर्म मान लेंगे, फिर तुम कहोगे सर यह भी पैसिव हो जाती। पैसिव के जी हैल्पिंग वर्ब है कोई होर यूज होंगी, कितनी हैल्पिंग वर्ब्स होंगे ने? तीन, किड़िया किड़िया? एक होंगी है बी, एक केड़ी होंगी है हैव, एक केड़ी होंगी है डू। एक कैसा टेंस बनाती है? कॉन्टीन्यूअस टेंस। एक कैसा टेंस बनाती है? परफेक्ट टेंस। तुम कहोगे सर यह किमें पता लगू? दस के हैं सारा कुछ टेंस पढ़ाया। एक कैसा टेंस बनाती है? इनडेफिनेट। जेड़ा यह बना रही ने तिने तीन टेंस, ये सारी दी सारियां एक्टिव वर्ब्स फॉर्म कर रही ने। एक्टिव फॉर्म होंगे, एक्टिव का मतलब की है सबजैक्ट उत्थे की होंगे डूअर होंगे। हूँ हैल्पिंग वर्ब तिना के एक लगू तो जी हैल्पिंग वर्ब चूज़ करता है वो हैल्पिंग वर्ब कि होंगी है बी। तो बी हैल्पिंग वर्ब एक्टिव वर्ब के कॉन्टीन्यूअस टेंस बना है, तो यह पैसिव वर्ब बनाने भी लिए भी यूज होती है, पैसिव वॉइस भी बनाती है। तो जो तुम बी दे नाल तीसरी फॉर्म लिख दोगे तो यही होंगी है थोड़ी पैसिव वर्ब। केड़ी वर्ब होंगी है? पैसिव। हम जो बी है ये अपना रूप चेंज करी जाती है, अगर वो प्रेजेंट होंगे तो इज आ जाता है, पास्ट होंगे तो वॉज आ जाता है, फ्यूचर होंगे तो विल बी शैल बी आ जाता है। करा अगे करा पर यही चेंज हो जाती है, एक कदम नहीं चेंज होती। विदाउट थर्ड फॉर्म पैसिव तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, जिधर मर्जी भज लो जिथे मर्जी भज लो, नॉट पॉसीबल। इन्नी गल समझ आ गई? यस और नो? इस गल नू समझना, जो थोड़ी इन्नी गल समझ आ गई दोस्तों तो तुम देखोगे थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, इस तू पहला बी दी फॉर्म लिखी हुई है, तो यदा मतलब जोड़ा स्ट्रक्चर लिखा हुआ एक्टिव है पैसिव है, पैसिव कहड़ा यह पैसिव स्ट्रक्चर लिखा है। अगर यह पैसिव स्ट्रक्चर लिखा है तो यदा मतलब सबजैक्ट मस्ट बी रिसीवर, कि सबजैक्ट एक्शन का रिसीवर है तो यह सेंटेंस सही है, तो पैसिव सेंटेंस है। ये समझना, पॉइंट समझ आ गई? यस और है ना? मैं क्या राहुल हैज बीन हिट द बॉल, ध्यान समझ। मैं क्या राहुल हैज बीन हिट द बॉल, समझना कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं समझ आ कोई ध्यान रख, ठीक है। हम अगर मैं तुम्हें पूछा कि ये वर्ब लिखी हुई है, समझना ठीक है। अच्छा यह तो पता होगा हिट 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 तो और हिट की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, क्योंकि हैज का लिखा है तो यह मतलब वर्ब की तीसरी फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा मैंने एक गल दसनी है कि इस तो पहले उन्हें तुम देखोगे कि हैज लिखा है सिर्फ, अगर हैज हिट लिखा होंगे, हैज हिट लिखा होंगे तो उरे हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, तो यह वर्ब कि हो जाती एक्टिव हो जाती, कि हो जाती एक्टिव हो जाती। हूँ तुम देखोगे वर्ब की तीसरी फॉर्म तो पहले बी की फॉर्म लिखी हुई है, लिखी हुई ना बी की फॉर्म, भाई बी दी कि इज एम आर वॉज वर विल बी इज एम आर वॉज वर बीन बींग सारी बी दी फॉर्म्स ने, तो यह बी की फॉर्म लिखी हुई है, तो मतलब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। हैज हैव लिखा है वो तो परफेक्ट बनाने लिखा है, वो चक्कर नहीं, लेकिन आप तो यही देखना से यदा मतलब उन्हें जी वर्ब लिखती है यह एक्टिव नहीं है, कि वर्ब लिखती पैसिव, पैसिव का मतलब की है कि जो थोड़ा सबजैक्ट है वह की होना चाहिए रिसीवर। यद मतलब राहुल में हिट किया गया, आप सेंटेंस के लिए गल कहना चाहते हैं भी राहुल में हिट किया गया, या आप कह रहे हैं कि राहुल ने हिट किया बॉल में, एक्चुअल चीज सैक्शन का रिसीवर राहुल है या बॉल है? बॉल है, यह ऑब्जेक्ट लिखा है जो कि लिखा है रिसीवर। तो अगर भाई इस वर्ब का ऑब्जेक्ट उत्थे लिख रखे है, मतलब इस वर्ब का रिसीवर उत्थे लिख रखे है, तो सबजैक्ट रिसीवर बन ही नहीं सबजैक्ट सकता, और राहुल उरे सबजैक्ट की है डूअर, अगर सबजैक्ट डूअर है तो पैसिव वर्ब किमें लिखती? पैसिव वर्ब नहीं आ सकती, वर्ब कि आऊगी? एक्टिव आऊगी, एक्टिव वर्ब की आऊगी? हैज इट। तो इस करके उरे सेंटेंस के गलती है दोस्तों, उरे बीन नहीं आ सकता क्योंकि वर्ब पैसिव नहीं, वर्ब कि चाहिए आपको एक्टिव। किमें पता लग गया? सबजैक्ट इज इक्वल टू डूअर,
दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एक्टिव और पैसिव। तो इन बेसिक गल समझने लिए ना अपन एक्टिव पैसिव ना समझना बहुत जरूरी है, तो इस करके पहले दिन ही एक्टिव पैसिव का मीनिंग पता होना चाहिए। सो मैं तो रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को कि तुम थोड़ा जहा बेसिक पढ़ने बाद एक्टिव पैसिव की क्लास जरूर लो, एटलीस्ट वर्ब पढ़ने बाद एक्टिव पैसिव की क्लास जरूर लो। एक पहली सिर्फ पहली क्लास पूरे तक बेसिक, थोड़ा जहा होर बेसिक रह गया फिर अगे चलने। इन्नी गल समझ आ गई ठीक है जी, जो इन्नी गल समझ आ गई तो आ जाओ अगे। हुण तुसीं ध्यान नाल समझना एक सेंटेंस लिखा है, हुण इस सेंटेंस का आपां एक्टिव पैसिव बनाउने बना लैणे, तो एक बार सारा वर्ब का समझाऊंगा टेंशन नहीं लैन डोंट वरी ठीक है। तो उरे तुसीं ध्यान नाल देखना कि सब तो पहले देखना कि उरे एक सब्जेक्ट लिखा हुआ उरे एक वर्ब लिखी हुई ठीक है, उरे वर्ब दे विच एक हैल्पिंग वर्ब लिखती ए मेन वर्ब लिखती ठीक है, उरे वर्ब का ऑब्जेक्ट दे रखा ठीक है जी। चलो हुण मैं थोनों पूछा कि यह वर्ब की तीसरी फॉर्म है तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अच्छा सब्जेक्ट डूअर हैगा कि नहीं, बस ये देखना कि एस इज इकल टू डी यस, सब्जेक्ट ने काम कंप्लीट किया, एक्शन की नहीं कंप्लीट किया सब्जेक्ट ने ही ने, तो यह मतलब सब्जेक्ट इज इकल डूअर, तो यह मतलब वर्ब की होनी चाहिए एक्टिव, कि यह वर्ब एक्टिव हैगी है। देखो हूँ तुम्हें देखना किमें पता लगेगा वो बारह टेंसिस के विच होनी चाहिए हैज़ ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कि उसे बी की फॉर्म तो लिखा हुआ कितने भी नहीं, तो यह मतलब वर्ब कि होगी एक्टिव होगी। अगर ये वर्ब एक्टिव है तो सब्जेक्ट की है डूअर है, तो यह मतलब यह सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, तो सेंटेंस कि एक्टिव। हूँ अगर इसे सेंटेंस में लिखा द टास्क है ना, एक बार किमें लिखा यह मैं तुम्हें दस दूंगा डोंट वरी, किमें बनया तो वह दसूंगा अभी। कंप्लीटेड बाय हिम। हूँ दूसरे सेंटेंस अगर मैं थोड़ा पूछा कि ये मैं ये दसो कि सब्जेक्ट कि जोड़ा स्टूडेंट उन्होंने सब्जेक्ट कहूँ ना मैं बाहर कड़ दूंगा ठीक, अखा खोलो दिमाग भी खोल, वो सब्जेक्ट नहीं है ऑब्जेक्ट है, कि ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन ठीक समझ आ गया। सब्जेक्ट कि सब्जेक्ट की हूँ सब्जेक्ट जिदे बारे गल की जा रही है सेंटेंस, कि बारे गल की जा रही है ही बारे, कि बारे गल की जा रही है टास्क बारे। हूँ सब्जेक्ट जो है मैंने एक गल दसना है कि इस एक्शन का डोर है कि रिसीवर है, उसे काम कर रहा है ये काम किया जा रहा है, तो यह मतलब सब्जेक्ट की हो गया रिसीवर हो गया। अगर सब्जेक्ट रिसीवर हो गया तो वर्ब शुड बी पैसिव और एक्टिव पैसिव, तो की यह वर्ब पैसिव लिखी हुई है, देखो वर्ब की तीसरी फॉर्म तो पहले बी की फॉर्म लिखी हुई है, तो वर्ब पैसिव है सब्जेक्ट रिसीवर है, तो यह मतलब सेंटेंस सही है सेंटेंस की है पैसिव। तो टेक्निकलिटीज पता लग गई, यह टेंस कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ठीक है, एक्टिव फॉर्म यह टेंस कि ए टेंस कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, ए टेंस कि भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है पैसिव फॉर्म के समझ आ गई ना गल, तो यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है यह पैसिव फॉर्म च लिखा हुआ दोस्त, होर कोई फर्क नहीं। एक सेंटेंस लिख दें आई टीच इंग्लिश, सब्जेक्ट डूअर है कि रिसीवर है, मैं पढ़ा रहा तो सब्जेक्ट की है डूअर है, सब्जेक्ट डूअर है तो वर्ब एक्टिव होनी चाहिए है, कि वर्ब एक्टिव हैगी है हाँ जी वर्ब एक्टिव हैगी है, प्रेजेंट की भी वन लिखी हुई है, अच्छा इस एक्शन का रिसीवर की लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट लिख रखे, तो यह मतलब सेंटेंस बिल्कुल सही है, तो सेंटेंस की है एक्टिव। फिर मैं लिखा इंग्लिश इज टॉट बाय मी, किसी नूं मी सब्जेक्ट लग रहा हो नहीं, सब्जेक्ट कौन है इंग्लिश, दिस इज द न्यू सब्जेक्ट। हूँ सब्जेक्ट इस एक्शन का डोर है कि रिसीवर है, हूँ रिसीवर है इस सब्जेक्ट पर काम किया जा रहा है, तो यह मतलब सब्जेक्ट डोर नहीं सब्जेक्ट की है रिसीवर, अगर सब्जेक्ट रिसीवर है तो वर्ब मस्ट बी पैसिव, कि यह वर्ब पैसिव हैगी है, पैसिव वर्ब का स्ट्रक्चर की होंगे बी प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म हूँ ही सीख लिया, कि यह तीसरी फॉर्म हैगी है टीच टॉट टॉट, अच्छा ये कि बी की फॉर्म हैगी है बी की फॉर्म लिखी हुई है, तो यह मतलब वर्ब पैसिव है, अगर ये वर्ब पैसिव है यह लिखा हुआ स्ट्रक्चर, तो यह मतलब सेंटेंस सही। समझ आया बुआ एक्टिव पैसिव क्या होता है, हजे तो मेन गल दसनी है ना एक्टिव पैसिव अंतर की होंगे 1% अंतर की होंगे। हूँ अगर मैं ये गल कह रहा हाँ कि दोवें सेंटेंसिज द मीनिंग सेम है, मीनिंग सेम है टेंस भी सेम है सारा कुछ सेम है, बस टेक्निकलिटीज चेंज हो गई, वो ऑब्जेक्ट से नवा सब्जेक्ट बन गया, ये सब्जेक्ट से प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, कि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ध्यान रखना। अगर तुम ये कह दोगे ना कि ये सब्जेक्ट लिख लिया ये वर्ब लिख ली ये ऑब्जेक्ट लिख लिया, तो ऑब्जेक्ट की बन गया न्यू सब्जेक्ट बन गया, ये वर्ब है ये वर्ब उरे वर्ब लिखती पैसिव लिखती, चलो ये फिर भी ये पता नहीं होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स को,
ठीक है, या नहीं दस दे ए सब्जेक्ट है ए की बन गया न्यू ऑब्जेक्ट बन गया। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तुसी पैसिव वर्ब दा ऑब्जेक्ट बना दो, नहीं बना सकते सर। इहदा मतलब तो यह हो गया कि अगर मैं कह रहा मैं सेब खा लिया, मैं सेब खाया, ठीक है, इहदा मतलब पता है उरे की हो जूगा, सेब ने मैनू खा लिया, ये कह रहे हो तुसी, कमाल है यार। तो इहदा मतलब तो यही हो गया ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उल्टा दे तुसी, मैं सेब खाया, सेब ने मैनू खा लिया, ये पॉसिबल है, सेब मेरे द्वारा ही खाया गया, मैं ही डूअर हाँ, इस गल का समझ, ठीक है। सो यह ऑब्जेक्ट जो है यदा नहीं प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता हूँ हमेशा, तो किसी भी डूअर इंट्रोड्यूस करने लिए कि प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, कि प्रेपोजिशन का यूज करते हैं बाई, ठीक है, आ जाओ हम। तो अगर मैं कह रहा कि दोवों का मीनिंग सेम है, मैं सेब खाया, सेब मेरे द्वारा खाया गया, मैं अंग्रेजी पढ़ाना, अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है, दोवों का मीनिंग सेम है, ठीक है, देखने से ज़्यादा ईजी सेंटेंस कि लग रहा है, पहला सेंटेंस ईजी लग रहा है, दूसरा सेंटेंस ईजी लग रहा है, सोच के दसना, पहला सेंटेंस ईजी लग रहा है, दूसरा सेंटेंस, हूँ पहला सेंटेंस ईजी लग रहा है, यह ज़्यादा कंपलैक्सिटीज है, क्योंकि यह कदम स्ट्रक्चर भी नहीं कदम पढ़िया, उन्होंने प्रेपोजिशन भी आ गया, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी आ गया, तो मतलब आह तीन शब्दों की गल कही जा सकती, फिर आप इन्ना क्यों उलझाई जन्ने, अगर दोवों का मीनिंग सेम है तो आप क्यों इन्ना उलझाई जन्ने, कोई ना कोई तो फर्क होगा, है एक फर्क है, छोटा जहा फर्क है ना, की फर्क है, जदों आप इस गल ते जोर देना हो भी काम किने किता, हू डिड इट, किने काम किता, जो किस ते जोर देना हो डूअर ते जोर देना हो ता उदों आपां एक्टिव सेंटेंस प्रेफर करते हैं, तो उदों एक्टिव वर्ब यूज की जाती, जो आप इस गल्ल ते जोर देना होवे भी काम किने किता, काम की होया वो मैटर नहीं करता, काम किने किता, उदों आपां किस ते जोर दिंदे आ, एक्टिव सेंटेंस। लेकिन जो आप इस गल्ल ते जोर देना होवे कि काम की होया या किस चीज़ ते होया, किस ते काम होया या काम की होया, वट इज डन, की काम होया या किस ते काम होया, है ना। सो उदो आप रिसीवर हाईलाइट कर रहे होंगे या एक्शन या तो की कह सकते हैं, रिसीवर हाईलाइट कर रहे होंगे या फिर एक्टिविटी या एक्शन, तो उस केस के आप पैसिव वर्ब यूज करते हैं, फिर वो सेंटेंस होंगे पैसिव सेंटेंस, क्योंकि अल्टीमेटली दोवें सेंटेंसिस के आप हाईलाइट जो कर रहे हैं वो हाईलाइट किनू कर रहे हैं, सब्जेक्ट को ही हाईलाइट कर रहे हैं, मेरा पॉइंट समझ के मैं की कहना चाह रहा। सो दोवें सेंटेंसिस सब्जेक्ट को ही हाईलाइट किया जा रहा, इस सेंटेंस सब्जेक्ट डूअर है, इस सेंटेंस सब्जेक्ट रिसीवर, तो इन जो तुम डूअर हाईलाइट करना होंगे तो एक्टिव सेंटेंस लिखते हो, जो तुम रिसीवर हाईलाइट करना होंगे तो पैसिव सेंटेंस लिखते हो, तुम कहो सर गल जी नहीं बनी, समझ ना, ठीक है। सपोज करो कि एक मीटिंग है, ठीक है, वो मीटिंग मोदी जी चेयर कर रहे हैं, मोदी जी लीड कर रहे हैं मीटिंग, ठीक, आवर ऑनरेबल पीएम ऑफ द इंडिया। सो उत्थे ये मैटर कर रहा है भी लीड कौन कर रहा है, देश नू कौन लीड कर रहा है, सो उत्थे तुसी डूअर नू हाईलाइट कर रहे हो, तो उत्थे एक्टिव सेंटेंस यूज होगा, उत्थे आप इस गल्ल ते जोर नहीं दे रहे कि की लीड किया जा रहा है, आप इस गल्ल ते जोर दे रहे हैं कि कौन लीड करता है। ये एग्जाम्पल नाल रिलेट नहीं कर पाए, छड़ दो, इस करके एग्जाम्पल शुड बी रिलेटेबल, बेसिक एग्जाम्पल लेने, तुसी किसी कोचिंग चले गए, ठीक है, ऐ समझ लो तुसी किसी का यूट्यूब चैनल देखा, ठीक है, उत्थे यूट्यूब चैनल ते हिस्ट्री दे दो टीचर पढ़ा रहे हैं, एक एक्स ते एक वाई, एक एक्स ते एक वाई, ठीक है, दो टीचर पढ़ाते हैं, उन्होंने एक नवा बैच लाइव बैच अनाउंस होया, ठीक है, कंप्लीट बैच, तो तुसी क्वेरी की, वो कोचिंग जाके क्वेरी की या फोन करके क्वेरी की, पूछे उन्होंने भी हिस्ट्री कौन पढ़ा रहा है, पढ़ाई तो हिस्ट्री जा रही है,
पढ़ाया जा रहा है कि ये मैटर कर रहे हैं? नहीं। कौन पढ़ा रहे हैं मैटर कर रहे हैं? सपोज कर लो कि थोनों एक्स टीचर दी समझ आ रही है, वाई टीचर थोनों सूटेबल नहीं लगे, तो तुसी डिसाइड किया अगर एक्स टीचर पढ़ाओगे फिर मैं बैच ज्वाइन कर लूँगा या कर लूँगी, अगर वाई टीचर पढ़ाएंगे फिर मैं बैच नहीं ज्वाइन करूँगा, तो तुसी उत्थे की पूछोगे कौन पढ़ा रहे हैं, तो वो की कहेंगे एक्स विल टीच इन दिस बैच, टीच हिस्ट्री इन दिस बैच। तो किते जोर दे रहे हो? हिस्ट्री पढ़ाए जाते थे एक्स ते, एक्स ते तो सब्जेक्ट और डूअर है, अगर सब्जेक्ट और डूअर है तो वर्ब मस्ट बी एक्टिव, प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो एक्टिव सेंटेंस की वरतों होगी उत्थे, पैसिव बना लो, ये बन जूगा, कोई वड्डी गल नहीं है। किमें बनूगा? दसूंगा सारा कुछ, दसूंगा की बनूगा, हिस्ट्री विल बी टॉट बाय एक्स इन दिस बैच। तक हूँ तुसी इस सेंटेंस एक्स ते जोड़ दे रहे हो? नहीं, इस सेंटेंस से तुसी हिस्ट्री ते जोड़ दे रहे हो, भी हिस्ट्री टीच की जाऊगी इस बैच के एक्स द्वारा, इस सेंटेंस तुसी एक्स ते जोड़ दे रहे हो। सो जिंदगी जो तुसी इस गल ते जोर देना होंगे कि कम किने किया उदो सेंटेंस यूज होंगे ने एक्टिव। जो तुम उत्थे कोचिंग कोरी करके पूछी तो वो थोड़ा एक्टिव सेंटेंस जवाब देंगे, पैसिव सेंटेंस जवाब देंगे, एक्टिव ही जवाब देंगे ना, गल समझ आ गई। दूसरी एग्जाम्पल, सपोज करो कि कोई इंसान जो है वह जा रहा है ट्रेन च जा रहा है कि, ठीक है, बस जा रहे, ट्रेन जा रहे, मेट्रो जा रहे, उस इंसान का रब ना करे कि एवं होवे किसी नाल बटुआ निकल गया, ठीक है, तो कि उन्हें पता है कि यह काम किने किया? नहीं। कि उन्हें इस गल का पता है कि काम किने किया? कि वह डोर से हाईलाइट कर रहे? ना। लेकिन उन्होंने यह पता है कि काम किस चीज़ से होया, निकलिया कि जुत्ता निकलिया कि बटुआ निकलिया, बटुआ निकलिया। सो वह किस चीज़ को हाईलाइट करेगा, रिसीवर नू या डूअर नू? रिसीवर नू, डूअर बारे तो उन्होंने पता ही नहीं कौन सी। सो एक्टिव सेंटेंस गल करेगा पैसिव सेंटेंस, सोच के देखो पैसिव सेंटेंस, हिज वॉलेट हैज बीन स्टोलन। हुन यह दसना है आह जो लिखा हुआ सब्जेक्ट ये डूअर है कि रिसीवर है? ये रिसीवर है दोस्त। अगर यह सब्जेक्ट रिसीवर है तो वर्ब केड़ी यूज होगी? पैसिव। पैसिव वर्ब का मतलब की है? बी प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म। हैज वर्ब प्लस स्टोलन तो तुसी लिखा होगा, ठीक है, लेकिन उरे की लिखा है स्टोलन तो पहला की लिखा है? बी, बी दी फॉर्म लिखी हुई, मतलब वर्ब पैसिव है, सब्जेक्ट रिसीवर है, तो सेंटेंस की बन गया है पैसिव। तो पैसिव सेंटेंस की वरतों इस सिचुएशन च की जाती है जिथे तुसी डूअर नू हाईलाइट नहीं करना बल्कि कम की होया या कम किस चीज़ से होया उस चीज़ नू हाईलाइट करना। कि थोड़ा उरे डूअर बारे पता है? पता ही नहीं। थोड़ा कह सकते जरूरी नहीं है बाय लगेगा, बाय लाना परपज है ही नहीं। आई होप कि थोड़ा ये गल समझ आ गई होगी बहुत चंगे तरीके। सो हाँ, अगर सपोज करो कि तुसी लिखना ही है, थोड़ा जो पता ही नहीं तो किसी का नाम लिख सकते हो? नहीं। बाय हिम हर कौन है? जवाक सी, बच्चा सी, बुजुर्ग सी, बुढ़ा सी, कौन है? पता है? नहीं पता। सो इस करके अगर तुसी लिखना ही है तो की लिखोगे? किसे द्वारा, किसे नू की कहने? ऐसे करके ही यह जे सेंटेंसेज का जो एक्टिव सेंटेंस बनता है, क्योंकि ये तो कदम मैनशन करते नहीं, जो एक्टिव बनता है तो एक्टिव के डूअर कोई ना कोई तो लिखना पेगा। जिमें मैं कहता, जिम्मे सपोज कर लो कोई नाम लिखता एक्स वाई जैड, मान लो फिलहाल ये डूअर बन गया सब्जेक्ट, है ना, ये डूअर बनूगा, है ना, तो की बनूगा? हैज स्टोलन हिज वॉलेट, है ना। फिर उत्थे थोनू पता किने काम किया? नहीं। इस करके ऑप्शन जो बनता हूँ कि बनता हूँ, सपोज कर लो थोनू ऑप्शन दे दें, यही ऑप्शन दे दें, उत्थे लिख देन ही, दूसरा ऑप्शन दे देन शी, तीसरा ऑप्शन दे देन दैट परसन,
चौथा ऑप्शन दे देना समबड़ी। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की होगा क्योंकि थोड़ा पता ही नहीं सी काम किने किता तो इसे करके संभड़ी। गल समझ आ गई। हूँ यही बंदा सपोज करो पुलिस स्टेशन गया तो पुलिस ने चोर फड़ लिया, ठीक है, तो हूँ पुलिस की कहूगी संभड़ी ना, फिर जिदा नाम लिता हुआ फिर फिर पुलिस एक्टिव सेंटेंस गल करूगी या पैसिव, फिर पुलिस एक्टिव सेंटेंस गल करो भी यार हाँ रामू ने चोरी किया, फिर वो की बोलूगी रामू है स्टोलन द वॉलेट, क्यों, क्योंकि उत्थे अच्छा रामू नू उत्थे रामू हाईलाइट करोगे या जड़ी चीज चोरी हुई वह तो पता ही अंडरस्टूड है उत्थे रामू नू हाईलाइट किया जाऊगा, तो इस करके उस केसिस दे विच फिर एक्टिव सेंटेंसिस वरत्या जाए, फिर उत्थे सब्जेक्ट की हो गया सब्जेक्ट की डूअर या रिसीवर, डूअर अगर डूअर है तो वर्ब एक्टिव होगी या पैसिव होगी, एक्टिव। सेंटेंस की हो जाएगा बेस है एक्टिव पैसिव का, थोनों यह समझ आनी जानी चाहिए है कि एक्टिव की होंगे पैसिव की होंगे, एक्टिव कदों यूज करते हैं पैसिव कदों यूज करते हैं, इनू बनाया ही क्यों गया, इनू डिजाइन क्यों किया गया, इनवेंशन क्यों की गई, यदि प्रैक्टिकलिटी की है, यदि एप्लीकेशन की ने रियल लाइफ च, लैंग्वेज की है मोड ऑफ कम्युनिकेशन, अगर वो एप्लीकेशन ही नहीं एग्जिस्ट कर रही तो फिर थ्योरी ग्रामर पढ़ के की करना है, सो यदि एप्लीकेशन यह है। आई होप कि थोड़ा समझ आ गया होगा। सो जरा बेसिक है अपना बेसिक पूरा होंगे, बाकी आप करांगे अगली क्लास के।